से एक और अहम खबर आ रही है, तौर तक पहुंचा दी है जरूर। अफगानिस्तान दे काबुल दे विच मुड़ तो धमाके की खबर आई है। जी हाँ, अफगानिस्तान दे काबुल दे विच मुड़ तो धमाका होया, गुरुद्वारा करते परवान नेड़े धमाके की खबर सामने आई है। गुरु घर नेड़े एक दुकान दे विच धमाका होया है। हालांकि दुकानदार दे वल्लों खुद यह जानकारी सांझी की गई कि किवें दुकान के अंदर जदों वह रोटी खाण गया सी, तां फिर उस दौरान किसी के वल्लों उत्थे बंब रखा गया ते धमाका होया। हालांकि गनीमत यह रही है कोई जानी नुकसान नहीं होया, पर माली नुकसान जरूर होया। पर लगातार जिवें अफगानिस्तान दे विच घट गिणतियां की गल की जाए, घट गिणतियां दे उत्ते तशद्दुद की गल की जाए, या फिर खास तौर पर सिख भाईचारे उत्ते लगातार तशद्दुद हो रहे हैं, गुरुधामां उत्ते तशद्दुद हो रहे हैं, अजिहियां घटनावां होर भी ज़्यादा चिंतित करन वालियां ने। एक होर तस्वीर तौर तक जरूर पहुंचा दिए, ये तस्वीर है उस दुकान की जो बिल्कुल गुरुद्वारा करते परवान दे नेड़े है। ये दुकान दे विच हमला होया है, वक् वक् तस्वीर। पहला हमला होंदा है 27/7/2022 नूं, जुलाई दे विच ये हमला होंदा है। एक होर तस्वीर जून महीने दे विच हमला होंदा है, जिस दे विच दो लोगों की मौत हो जाती है। तो एक होर तस्वीर है मार्च महीने की तस्वीर है। तुसीं टाइमलाइन देख सकते हो, बकायदा तौर तक पहुंचा रहे हैं कि किवें अफगानिस्तान दे विच घट गिणतियां ते खास तौर पर सिख भाईचारे उत्ते तशद्दुद हो रहे हैं, गुरुधामां दे विचकार हमले हो रहे हैं। वक् वक् तस्वीर, पहली घटना 25 मार्च 2020 दी है, जो हमला होया। इस हमले दे विच 25 लोगों की मौत भी हो गई। दूसरी तस्वीर पिछले महीने की है, 18 जून 2022 की तस्वीर, गुरुद्वारा करते परवान विच हमला होंदा है ते इस घटना दे विच दो लोगों की मौत हो जाती है। ते तीसरी तस्वीर अज की तस्वीर है, 27 जुलाई 2022, अज की तस्वीर है। दुकानदार जो बयान कर रहा है कि दुकान दे विच किसी दे वल्लों ऑटोमैटिक टाइम बॉम्ब जिहड़ा रखा गया सी, ये जो जानकारी मिल रही है, टाइम बॉम्ब रखने की गल दसी जा रही है। तो धमाका हुंदा है जदों रोटी खाण चला जाता है। तो यह धमाके दीयां तस्वीरां वक् वक् आईयां ने, जिस तों बाद सिख भाईचारे दे विच तां बहुत ज़्यादा रोस है, पर इस विचकार सिख जथेबंदियां भी बार बार सूबा सरकार तों, बार बार केंद्र सरकार तों माफ करना गुहार लगा रही ने कि इन्ना सारे सिखां दा खास तौर पर रेस्क्यू करवाया जाए, तो इन्हां नूं चंगी जिंदगी जिहड़ी है हिंदुस्तान दे विच भारत विच दित्ती जावे। जिहड़ी बार बार जिहड़े हमले उत्थे खास तौर पर कम्युनिटी नूं टारगेट करके किए जा रहे हैं, और अज जिस तरीके दे नाल काबुल दे करते परवान जगह दे विच जिथे एक नौजवान सिख की दुकान के उत्ते टाइम बॉम्ब लगा के उन्हें उड़ाउन की कोशिश की गई, गुरु महाराज का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हो सकिया। मगर ये बार बार जिहड़े अटैक किए जा रहे हैं, उत्थे दी गवर्नमेंट नूं भी सोचना पेगा। और मैं असी पिछली बार भी अपील की सी कि उत्थे रहिंदे होए लोगों नूं, क्योंकि हर एक दी एक आस्था जुड़ी हुंदी है, अपना प्यार जुड़िया हुंदा जमीन दे नाल, मगर जिस वक्त अपने परिवारों के उत्ते आ जाए तो मैं समझदा कि उस तो वड्डी जान माल तो उस तो वड्डी कोई गल नहीं हुंदी। सो उन लोगों नूं भी अपने फ्यूचर बारे, अपने बच्चों बारे सोचना चाहिए, और उन्होंने उस तो जिहड़े भी जगह उन्होंने माइग्रेट करना चाह उत्थे उन्होंने करनी चाहिए है। और अगर साढ़े लायक कोई उन्होंने सेवा हो तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने पूरा सहयोग करेगी। असी सरकारां दे नाल गलबात जरूर कर सकते हैं, मगर जो जिस किस्म का माहौल उत्थे बनया होया है, सरकारां भी मैं समझदा कि बेबस हो चुकिया ने। सो ये इनिशिएटिव उन्होंने उत्थे रहन वाले लोगों नूं आप लेना पेगा। फिर करते परवान गुरुद्वारे दे नाल काबुल अंदर अफगानिस्तान च एक बंब धमाका किया गया। ये बंब धमाका जिहड़ा सी एक हकीम की दुकान च किया गया। परमात्मा की कृपा रही कि उस वेले हकीम जिहड़े सीगे उह अपने घर खाना खाण गए सीगे। इन्हां दे जीजा जी पहले ही इसे गुरुद्वारे के हमले अंदर शहीद हो चुके ने। 58 लोग उत्थे और बाकी ने जिहड़े भारत सरकार उन्होंने बाहर लियाउण की कोशिश कर रही है। असी पूरी कोशिश अंदर हाँ, जल्दी उन्होंने ई वीज़े इशू किए जा रहे हैं ताकि उन्होंने बाहर उतों सेफली एवैकुएट किया जा सके। मैं विदेश मंत्रालय नाल भी संपर्क अंदर हाँ, सारी पूरी कोशिश आ कि इन्हां दी सेफ्टी सिक्योरिटी उतों तक देखी जाए, क्योंकि उन्होंने बार बार धमकियां मिल रही ने, या धर्म छड्डो या मुल्क छड्डो। ऐसे अंदर बहुत वड्डी विपता साढ़े परिवारों ते सिखां ते आई आ, पर भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इन्होंने असं सुरक्षित उतों बाहर कढ के लैके आईए, और इन्हां दी जान माल की सुरक्षा की जो भी असं इत्थे बैठ के कर सकांगे पूरी कोशिश करांगे।
सिख जगत विच इस धमाके तो बाद बेहद ज्यादा रोस है। इस दे नाल ही सुखबीर सिंह बादल दे वलों भी फेसबुक उते पोस्ट पा के इस घटना उते दुख जाहिर किया गया। पढ़ाने तुहानूं लिखदे ने, उन्हां लिखिया कि काबुल दे गुरद्वारा करते परवान दे बाहर एक सिख हकीम दी दुकान उते बम धमाके राही कीते गए हमले दी मैं सख्त शब्दां च निखेधी करदा हां। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अते विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नूं मेरी अपील है कि अफगानिस्तान सरकार कोल इह मामला चुकण सिख परिवार समेत उन्होंने धार्मिक ते व्यापारक अदारियां दी सुरक्षा यकीनी बनाउण। इस विचकार भाजपा आगू आरपी सिंह दे वल्लों भी ट्वीट किया गया, वह भी लिखते हैं कि पहला काबुल स्थित गुरद्वारा साहिब नूं निशाना बनाया गया ते हुण लोकां दीआं दुकानां उत्ते हमले हो रहे हैं। मैं अमित शाह जी नूं अपील करदा हाँ कि वह अफगानिस्तान विच रह गए उन्हां 50 लोकां नूं भी ई वीज़ा जारी करन तां जो उन्हां दीआं जानां बचाईआं जा सकन। इस घटना तो बाद चौतरफा इस घटना की निखेधी तो हो रही है, पर नाल ही इस आविष्कार अपील भी की जा रही है केंद्र सरकार नूं कि अफगानिस्तान की सरकार दे नाल राबता कायम करके इन्हां सिखां की सुरक्षा यकीनी बनाउण ते नाल ही ई वीज़ा जारी करके इन्हां सिखां नूं भारत लैके आया जाए बचाया जा सके। इस बुलेटिन च फिलहाल ही बस इन्ना ही, पर एक नज़र मार लैंदे हां।